अपने स्मार्ट लुक, एडवांस फीचर्स और बेहतरीन कंफर्ट के लिए मार्केट में जाने जाने वाली और मारुति के बाद जिसकी गाड़ियां सबसे ज़्यादा बिकती हैं और हुंडई की गाड़ियों को यूं ही पसंद नहीं किया जाता है, फर्स्ट इम्प्रेशन में ही जो कस्टमर को अट्रैक्ट कर लेती हैं और बेहतरीन कंफर्ट के साथ में जिसमें एडवांस टेक्नोलॉजी भी मिलती है और फ्यूल ऑप्शंस में भी हुंडई मोटर्स की एसयूवीज पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक के साथ में सीएनजी ऑप्शंस में भी अवेलेबल होती हैं, तो कस्टमर के लिए वाइडर चॉइस है जिस भी फ्यूल को पसंद करते हैं या जिस भी ट्रांसमिशंस को पसंद करते हैं, काफ़ी सारे ऑप्शंस हुंडई की गाड़ियों में मिल जाया करते हैं। और जब भी हुंडई मोटर्स अपनी किसी न्यू गाड़ी को लॉन्च करती है तो मार्केट में उसका क्रेज बढ़ना नेचुरल है और अब हुंडई मोटर्स अपने पोर्टफोलियो का एक बार फिर से विस्तार करने वाली है, जिसमें एंट्री लेवल या मिड बजट कस्टमर के लिए अपने एक ग्लोबल हिट प्रोडक्ट को, एक क्रॉसओवर एसयूवी को लॉन्च करने वाली है, तो साथ में 7-सीटर सेगमेंट में एक ऑल न्यू गाड़ी को लाने वाली है। और इसके अलावा हुंडई मोटर्स अपनी एक पावरफुल ऑफ रोडर को लाने की तैयारी में भी है, तो कुल मिलाकर हुंडई मोटर्स के पोर्टफोलियो का यह विस्तार काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। तो इसमें फर्स्ट प्रोडक्ट है हुंडई मोटर्स का ग्लोबल हिट प्रोडक्ट, जो मार्केट में रेनॉल्ट काइगर, निशान मैग्नाइट और किया सोनेट जैसी गाड़ियों को तगड़ा कंपटीशन देने वाला है मिड बजट सेगमेंट में अल्ट्रा एडवांस लुक और अल्ट्रा एडवांस फीचर्स के साथ में। और हुंडई मोटर्स फिलहाल में इस एसयूवी को कई देशों में ऑफर करती है, ऐसे में ग्लोबल मार्केट में मिलने वाले एडवांस फीचर्स के साथ ही इसे भारत में लाया जाएगा। इसके फीचर्स की बात करें तो इस क्रॉसओवर टाइप की स्मार्ट एसयूवी में वायरलेस चार्जिंग फैसिलिटी, मल्टीपल यूएसबी पोर्ट और बेहतरीन कंफर्ट के लिए फ्रंट में वेंटिलेटेड सीटें, ड्यूल स्क्रीन जिसमें कि फर्स्ट स्क्रीन 10.25 इंच में इंफोटेनमेंट सिस्टम, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो के लिए, तो सेकंड स्क्रीन होगी 10.25 इंच में ही डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ब्लू लिंक कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी के लिए। और इसके एक्सटीरियर में एलईडी लाइट्स हैं, ड्यूल टोन एक्सटीरियर जैसे फीचर्स हैं, साथ ही एडवांस सेफ्टी के तौर पर एरास के वर्ल्ड क्लास सिस्टम, 6 एयरबैग, स्टैंडर्ड ABS, EBD, हिल असिस्ट, पार्किंग असिस्ट जैसे सभी फीचर्स मिलने वाले हैं। और कंपनी की ओर से इस एसयूवी को 1 लीटर टर्बो GDI पेट्रोल इंजन के साथ में लाया जाएगा, जिसमें 100 PS की पावर और 171 Nm का टॉर्क होगा। साथ ही इस क्रॉसओवर एसयूवी में 6-स्पीड मैनुअल, 7-स्पीड का DCT ट्रांसमिशन मिलने वाला है। और बजट रेंज की बात करें तो 7 से 8 लाख के अप्रोक्स इसका बजट स्टार्ट किया जाएगा। और इसके बाद मार्केट में हुंडई मोटर्स लाने वाली है एक 7-सीटर MPV, जो कि मारुति अर्टिका, किया कैरेंस और मारुति एक्सेस 6 जैसी गाड़ियों को टक्कर दे सकती है। और जहां तक इसकी लेंथ की बात है तो 4460 mm, चौड़ाई होगी 1780 mm और हाइट होगी 1695 mm। इसका व्हील बेस 2780 mm यानी किया कैरेंस के बराबर ही होने वाला है। और हुंडई मोटर्स की इस ऑल न्यू MPV यानी 7-सीटर स्टार गेजर में स्प्लिट हेडलैम्प, एडवांस ग्रिल, LED DRL, स्लोपिंग रूफ लाइन, शार्क फिन एंटीना, स्टाइलिश डैशबोर्ड, वेंटिलेटेड सीटें, वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, बिग टच स्क्रीन, इंफोटेनमेंट सिस्टम, ब्लू लिंक कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, 6 एयरबैग और एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम के फीचर्स मिलने वाले हैं। और इस ऑल न्यू MPV स्टार गेजर में 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो 113 bhp की पावर, 144 Nm का टॉर्क देगा। इसके अलावा इसमें सेकंड ऑप्शन होगा 1.4 लीटर का टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर का डीजल इंजन का चॉइस भी इसमें मिलने वाला है। तो मैनी ऑप्शंस में हुंडई मोटर्स अपनी ऑल न्यू गाड़ियों को लॉन्च करने वाली है। और इसके बाद हुंडई मोटर्स का है काफ़ी तगड़ा और पावरफुल लॉन्च, क्योंकि हुंडई मोटर्स की ये ऑल न्यू गाड़ी सीधे सीधे टोयोटा फॉर्च्यूनर को टक्कर देने वाली है अपने पावरफुल इंजन और साथ ही एडवांस फीचर्स और लुक के साथ में। और हुंडई की इस ऑल न्यू एसयूवी में 12.3 इंच का TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, हेडसअप डिस्प्ले यानी HUD, ड्यूल सनरूफ और 7 USB पोर्ट, 16 कप होल्डर और रूफ माउंटेड AC वेंट सभी रो में मिलने वाले हैं।
और थर्ड रो में भी वन टच सीट फॉरवर्ड, पावर फोल्डिंग और रिक्लाइन फंक्शन जैसे एडवांस शानदार फीचर्स होंगे। साथ ही इसके सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो हुंडई की पालीसेड में 7 एयरबैग, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट, कोलिजन अवॉइडेंस असिस्ट, स्पीड लिमिट और लेन फॉलोइंग असिस्ट और इलेक्ट्रॉनिक चाइल्ड सेफ्टी जैसे एडवांस फीचर्स होने वाले हैं। और बात करें इसके पावरफुल इंजन की तो सीधे सीधे टोयोटा फॉर्च्यूनर को टक्कर देते हुए 3.8 लीटर का V6 पेट्रोल इंजन मिलने वाला है जो 292 पीएस की पावर और 355 एनएम का टॉर्क देगा। और इस इंजन में 8 स्पीड का ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिलने वाला है। इसके अलावा इसमें 3.8 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड V6 डीजल इंजन भी होगा जो 295 पीएस का आउटपुट और 355 एनएम का पीक टॉर्क देगा और इसमें 8 स्पीड का ऑटोमेटिक गियर बॉक्स भी होने वाला है। इसके अलावा 7 सीटर सेगमेंट में ही हुंडई मोटर्स की एक और गाड़ी मार्केट में एंटर करने वाली है 2.2 लीटर के पावरफुल इंजन, मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन विकल्प के साथ में। और इस 7 सीटर कार की लंबाई 4690 mm तो चौड़ाई 1880 mm होने वाली है। व्हील बेस 2700 mm है और हर पैसेंजर के लिए काफी स्पेस मिलने वाला है और साथ ही इसमें बिग बूट स्पेस भी होगा। इसके कैबिन में वुडन फिनिश और साथ ही बिग सेंटर कंसोल, बड़े हॉरिजेंटल एसी वेंट और 12.3 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल को जोड़ने वाली कर्व डिस्प्ले मिलने वाली है। और हुंडई मोटर्स अपनी इस आने वाली गाड़ी को हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड के साथ पेश करेगी, साथ ही 2.5 लीटर का डीजल इंजन का विकल्प भी होगा। इसके अलावा हुंडई मोटर्स अपनी करंट अवेलेबल 2 गाड़ियों के लेटेस्ट वर्जन या फेसलिफ्ट वर्जन भी जल्द ही लॉन्च करने वाली है, जिसमें फर्स्ट गाड़ी है हुंडई मोटर्स की 7 सीटर सेगमेंट की लग्जरी गाड़ी हुंडई अल्केजर, जिसे कि फेस्टिवल सीजन के आसपास अपग्रेड करके पेश किया जाएगा नए ऑप्शंस और एडवांस फंक्शंस के साथ में। तो साथ में इसके हुंडई मोटर्स जल्द ही अपनी एक SUV सेगमेंट की गाड़ी का लेटेस्ट वर्जन भी लाने वाली है और इसे जुलाई मंथ में ही लॉन्च कर दिया जाएगा। इसके अलावा हुंडई मोटर्स की इलेक्ट्रिक सेगमेंट की गाड़ी कोना इलेक्ट्रिक का भी फेसलिफ्ट वर्जन आने वाला है। हालांकि इसके आने में अभी देरी है क्योंकि इसे साल के फेस्टिवल सीजन में यानी नेक्स्ट 3 मंथ बाद पेश किया जाएगा। इसके अलावा अपडेट है कि हुंडई मोटर्स सेंट्रो के स्पेस को फुलफिल करने के लिए यानी एंट्री लेवल पर जिस गाड़ी को हुंडई मोटर्स द्वारा डिसकंटिन्यू किया गया, अपनी एक और एंट्री लेवल बजट की गाड़ी लाने की तैयारी में है, जिसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में फुल फीचर डिटेल से अपडेट किए जाएंगे। तो चाहे आप एंट्री लेवल की या मिड बजट सेगमेंट की या फिर पावरफुल गाड़ी की तलाश में हैं, तो ये है हुंडई मोटर्स द्वारा अपडेट किया जाने वाला लेटेस्ट पोर्टफोलियो। वैसे फिलहाल में आप किस ब्रांड के किस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं कमेंट्स में लिखना ना भूलें, साथ में उसके अपने ओनरशिप एक्सपीरियंस भी डिटेल से लिखते रहें सभी सब्सक्राइबर के बेनिफिट के लिए। और अगर आप चैनल पर आना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ID पर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों ऑटोमोबाइल वर्ल्ड की हर लेटेस्ट न्यूज, इन्फॉर्मेशन, रिव्यूज और अपडेट के साथ। नमस्कार दोस्तों।